हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में अभी हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक में आगे दिया हुआ है, मतलब रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर डिटेल में अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टेज पर अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन गैल्वेनोमीटर का करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को इसलिए डिटेल में पढ़ना है बिकॉज इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी पोटेंशियोमीटर, है ना। और पोटेंशियोमीटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहेंगी कि वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज इन दिस सेपरेट लेक्चर, है ना। तो अभी हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अभी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट करेंट। ये करंट डिटेक्ट करने के काम आता है, और इसमें अभी हम लोग कहते हैं कि एक कॉइल है, उस कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और जैसे ही अभी हम लोग करंट पास करते हैं तो कॉइल से जुड़ा हुआ एक पॉइंटर रहता है, वो पॉइंटर जो है अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होता है ना? और अभी हम लोग इसमें यह बोलते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर के जो स्केल्स हैं या ग्रेजुएशन हैं उसमें सेंटर पर यहां पर जीरो होता है। दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट, और इसमें सेंटर में यहां पर जीरो होता है। ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन वाला, ये जहां पर सेंटर पर जीरो है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी डिटेक्ट करता है। मतलब क्या है कि अगर आप करंट पास करोगे तो किसी एक साइड में, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा। करंट का अगर डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब पॉइंटर ऐसा कुछ जीरो पर है जब कोई करंट पास नहीं कर रहा, करंट पास किया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास किया तो ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड दिस गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन सम माइक्रो एम्पियर्स और मिली एम्पियर्स। कुछ माइक्रो एम्पियर्स या कुछ मिली एम्पियर्स में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। फुल स्केल का मतलब आप बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास करोगे तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मतलब इसको अगर हमें यूज करना है टू डिटेक्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर तो अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे से करंट में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, है ना। और इसका खुद का रेजिस्टेंस अगर अभी हम लोग देखें तो दिस में वेरी फ्रॉम से 50 ओम्स टू से 100, 200, 300 ओम्स। तो इसके पास खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये सारे फैक्ट्स अभी हम लोग ने शॉर्ट में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड बता दिए, इसलिए क्योंकि आगे जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेथड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर का डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें अभी हम लोग इसका फॉर्मुलेज भी पढ़ने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है और इससे करंट कैसे मेजर होता है, वो सारी चीजें अभी लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस स्टेज पर इतना भर कह दिया कि दिस इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, है ना, और इसमें करंट अगर पास करते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है। एंड लार्जर द करंट लार्जर इज द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें करंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर का तो उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। करंट अगर पास नहीं कर रहे तो ये जीरो पर इसका पॉइंटर रहेगा, है ना। तो अभी हम लोग बोलते हैं करंट पास करने पर इसमें एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, एंड द डिफ्लेक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी हमने बता दी, और अभी हमने बोल दिया कि ये एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। कितने पर देता है? कुछ माइक्रो एम्पियर्स और मिली एम्पियर्स में। तो इसको करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह अभी हम लोग नहीं यूज कर सकते, उसके दो कारण है। इसके दो कारण क्या है? एक तो इसका जो करंट है वो कुछ माइक्रो एम्पियर्स या कुछ मिली एम्पियर्स करंट अगर पास करेंगे तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, है ना। तो अगर आपने 1 एम्पियर करंट पास करेंगे तो ये इसके डैमेज होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, इसके पास कुछ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। अब कुछ इसका रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो करंट को मेजर करने के लिए, तो इसके खुद के रेजिस्टेंस के कारण सर्किट का रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग कभी भी गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजरिंग डिवाइस की तरह नहीं यूज करते, है ना? अब इसमें नेक्स्ट अभी हम लोग जो ले रहे हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन था किसके बारे में,
गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब हम लोग इसमें आज जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमीटर। एमीटर जो है एम्पियर्स मेजर करता है, एम्पियर्स मेजर करता है, इसलिए इसको एमीटर बोलते हैं। इट मेजर्स व्हाट एम्पियर्स, एम्पियर्स क्या है, करंट। सो दिस इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। क्या चीज है ये, करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस। फिर दूसरी चीज, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में ही, सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ही करंट की वैल्यू सेम रहती है ना। सो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस शुड हैव व्हाट अ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होना चाहिए, और आइडियल एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। अब ये क्यों है, ये अभी हम लोग इसमें अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सपोज यू आर हैविंग ए सर्किट, अब इसको अच्छे से समझना बच्चों, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में आपने एक बैटरी कनेक्ट की है, दिस इज द रेजिस्टेंस आर वन एंड दिस इज द रेजिस्टेंस आर टू एंड ईएमएफ ऑफ दिस इज ई। अब अगर ये सर्किट है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोग बता सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन किस टाइप का है, सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में बच्चों क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है कंबाइन कैसे होते हैं, आर वन प्लस आर टू करके कंबाइन हो जाते हैं। अब क्या किया, टू मेजर द करंट आई, एमीटर इज कनेक्टेड। अब हम लोगों ने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, अब इसका नया डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं, एमीटर का जो सिंबल है ऐसा कुछ सर्कल बना दिया है ना, और बीच में ए लिख दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबल फॉर एन एमीटर। अब इसके बाद ये ई है, ये आर वन है, ये आर टू है, सपोज इसका रेजिस्टेंस आर ए है, तो वही जो पॉइंट अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपको जो एमीटर लेना है वो आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हो, क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। ये अभी हम लोग कैपेसिटेंस से भी पढ़ते आ रहे हैं पिछले टॉपिक्स में, अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा है ना। और पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब सीरीज में अगर आपने ये एमीटर कनेक्ट किया तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा मतलब करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, करंट की वैल्यू विल बी व्हाट, आई डैश विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए। अब ये इस सर्किट में आर वन और आर टू रेजिस्टेंस था, लेकिन आपने करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगाया उसका रेजिस्टेंस और सर्किट में जुड़ गया। अब जो आइडियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आइडियल एमीटर, ये आइडियल एमीटर में जो करंट की थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो अभी हम लोग फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू और ये वाली जो मेजर्ड वैल्यू है ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आई इक्वल टू आई डैश अगर अभी हम लोग रख दें तो कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें ई और ई कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ऐसा कुछ आएगा, आर वन और आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर ए की वैल्यू
जीरो आ जाएगी। तो अब हम लोग इसमें ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट अभी हमने बोला है, ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी जीरो, ये आप थोड़ा लॉजिक अगर लगाते तो भी बता सकते थे भाई इसमें, इस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, अगर इस सर्किट में करंट मेजर करना है तो करंट की वैल्यू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू है। अब इस करंट को मेजर करने के लिए आपने एक डिवाइस लगाया, ये एमीटर है, सीरीज में कनेक्ट किया। अब क्या होगा, अगर आपने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेंज हो रहा है, आर वन आर टू आर ए हो गया, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। और इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर ये चेंज नहीं होना है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि भाई आप कोई ऐसा डिवाइस बना पाओ जिसको लगाने पर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो, मतलब आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू था, अब डिवाइस लगाने पर भी आर वन प्लस आर टू ई अपॉन आर वन प्लस आर टू रह जाए, तो अभी हम लोग बोलेंगे एक आइडियल डिवाइस है और आइडियल डिवाइस का रेजिस्टेंस खुद का जीरो होना चाहिए। ये प्रूव कर दिया और ये लॉजिक पर बेस भी अभी आप बता सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें अब हम लोग ये कह सकते हैं दैट आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, आप कोई भी मशीन अगर आप बनाओगे या कोई भी डिवाइस बनाओगे उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, भाई आइडियल नहीं है तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस इसका खुद का होना चाहिए। अब इसमें इसका खुद का रेजिस्टेंस तो आएगा, ये पता चल गया, है ना। अब अच्छे से सुनना बच्चों, अब हमने ये कहा कि अगर आप ये थ्योरेटिकल वैल्यू को मेजर करने के लिए आपने ये एमीटर लगाया, एमीटर लगाने पर अभी हमने पहली चीज ये बोली कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है वो जीरो हो जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन जीरो नहीं हो पा रहा, मतलब इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस आया, खुद का कुछ रेजिस्टेंस आया मतलब यहां पर डिनोमिनेटर जो है एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर जो है एक्चुअल वैल्यू से आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए, भले ही ये बहुत छोटा हो, जैसे मान लीजिए 0.1 ओम्स ही है, तो कहने का मतलब ये है कि ई अपॉन आर वन प्लस आर टू ये थ्योरेटिकल या एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जब आपने ये डिवाइस लगा दिया तो करंट जो मेजर होगा वो आर वन प्लस आर टू प्लस मशीन का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस आएगा। मतलब अभी हम लोग ये बोलते हैं अगला पॉइंट के मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर, मतलब जितना करंट एक्चुअल में पास हो रहा है उससे कम करंट ये मेजर करता है, ऑलवेज स्मॉलर देन एक्चुअल वैल्यू। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें वन मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको ऐसा भी बोला जाता है कई बार कि भाई आपने सर्किट में एमीटर लगाया, उसकी रीडिंग कुछ आ रही है, और कोई आकर पूछेगा भाई ये रीडिंग सही है, एकदम परफेक्ट है, तो अभी आप बोलोगे नहीं ये परफेक्ट नहीं है, तो कह लेंगे रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज जो है इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, तो अभी हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू जो है थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इसका कम होगा एमीटर का, उतना ज्यादा ये एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी से रिलेटेड अभी हमने एक पॉइंट और बोल दिया कि भाई ये कौन सा एमीटर लेना चाहिए, तो एमीटर वो लेना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा वो करंट की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करेगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक पर अभी हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अच्छा, इसमें कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में एक ये भी पूछ लेते कि भाई अगर आपने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने की जगह अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस तो कम होता है और जहां पर भी रेजिस्टेंस कम होता है वहां पर करंट ज्यादा पास होगा। तो क्या होगा, पैरेलल में कभी कनेक्ट नहीं करना, सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना। पैरेलल में कनेक्ट करोगे और करंट का सोर्स करंट देगा, करंट जो देगा तो ये करंट जो है कौन सा वाला रास्ता प्रेफर करेगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम है। भाई आप कहां जाना पसंद करोगे, जहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो ये इसका एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो मेजर पोर्शन ऑफ द करंट विल पास थ्रू द एमीटर। और ज्यादा करंट अगर एमीटर से पास हो गया तो क्या होगा, द एमीटर में गेट डैमेज, है ना। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वन मार्क का, वो भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें ले रहे हैं बच्चों, क्या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एमीटर को सॉरी गैल्वेनोमीटर को अभी हम लोग एमीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भाई इसका गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, है ना। और खुद का रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए 100 ओम्स है तो 100 ओम्स वाले रेजिस्टेंस का या 50 ओम्स वाले रेजिस्टेंस वाले गैल्वेनोमीटर को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर देगा, है ना। तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इसमें ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स है तो अभी हम लोग इसको तो नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे तो क्या होगा, हमने दो नुकसान बताए थे। दो नुकसान क्या है कि एक तो जिन करंट्स को अभी हम लोग मेजर कर रहे हैं वो अगर ज्यादा है तो ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस है। क्यों, बिकॉज दीज आर डिजाइंड फॉर वेरी लो करंट्स, बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों ये, है ना। तो इसमें बहुत कम करंट में ये अच्छा डिफ्लेक्शन देता है, तो सिर्फ ये करंट डिटेक्ट करने के काम ही आता है, है ना। अब एक तो ये करंट मेजर करने के लिए डायरेक्टली यूज किया तो ज्यादा करंट की वजह से ये डैमेज हो सकता है। फिर दूसरी चीज इसमें, इसको अगर सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और करंट की ये ट्रू वैल्यू कभी नहीं देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मशीन, वो तो खोल के चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों इसमें बाहर में ऐसे दो टर्मिनल्स लगे रहते हैं, है ना। तो इसके बाहर के दो टर्मिनल्स में अभी आप एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो पैरेलल में। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं इस टॉपिक में, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस अभी आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। पैरेलल कनेक्शन करने का फायदा क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन करने का यह फायदा होगा, देखो बच्चों जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक R100 है और आपने एक R2 1 ओम्स लगा दिया या 0.1 ओम्स लगा दिया तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.1 अपॉन 100 प्लस 0.1, है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ऊपर आएगा 10 अपॉन नीचे 100 से थोड़ा सा ज्यादा 100.1, तो ये 0.1 से भी कम इसका आंसर आएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस 100 ओम था ये 100 ओम से या 0.1 ओम से भी कम आ गया। तो अब इसमें आपको हिंट मिल गई क्या, कि आपको किसी रेजिस्टेंस को अगर कम करना है
तो अभी आपका क्वेश्चन होगा भाई किससे कम करना, कितना कम करना है? तो कोई बोलेगा 1 ओम से भी कम करना, तो आप 1 ओम का पैरेलल में लगा दो तो आंसर 1 ओम से कम आ जाएगा। कोई बोलेगा 0.1 ओम से कम करना है, तो आप 0.1 ओम का पैरेलल में लगा दो तो आंसर जो आएगा वो 0.1 ओम से कम आएगा। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, और ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको अभी शंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पता चल गया अभी हम लोगों को ये पता चल गया टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। अब देखो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो देखो डायग्राम अभी हम आपको ले लें, ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसका रेजिस्टेंस सपोज आरजी है और आईजी इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये बहुत कम होता है क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट नहीं पास कर सकते, हमने पहले ही बताया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब इस छोटे रेजिस्टेंस को अभी हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज कॉल्ड व्हाट द शंट, एस को अभी हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अभी हम लोग बोलेंगे सपोज अगर ये गैल्वेनोमीटर अगर अकेला होता, बच्चों ध्यान से देखना, तो इसमें करंट कितना पास कर पाते, मैक्सिमम आईजी करंट पास कर पाते, और ये क्या रहता, दिस गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ये वो करंट है जो अगर आप गैल्वेनोमीटर में पास करोगे तो ये पॉइंटर जो है सेंटर से मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, है ना। मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि आप इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते। सो आईजी इज व्हाट द मैक्सिमम करंट विच अ गैल्वेनोमीटर कैन टेक। इसको सिंपल भाषा में अभी हम लोग कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट अभी हम लोग पास कर सकते हैं उसको अभी हम लोगों ने क्या आईजी बोला। ठीक है, अब देखो अब इसमें देखना बच्चों ध्यान से, इसमें सपोज अब हम लोग आई करंट पास कर सकते हैं, आई करंट जो है अब आईजी से बहुत ज्यादा रहेगा। अब हम लोग इसमें बोलेंगे कि इसके थ्रू आईजी चला जाएगा और इसके थ्रू आई माइनस आईजी चला जाएगा। अब इसमें से कौन सा वाला करंट ज्यादा रहेगा, आई माइनस आईजी ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि शंट जो है बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। शंट कैसा रेजिस्टेंस है बेटा, दिस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, सो द मेजॉरिटी करंट विल पास थ्रू द शंट। तो जो गैल्वेनोमीटर आईजी करंट ले पा रहा था अब उसके थ्रू आई करंट अभी हम लोग पास कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला कि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ अभी तक आरजी रेजिस्टेंस था, लेकिन अब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आरजी इनटू एस अपॉन आरजी प्लस एस, और ये वाली वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, है ना। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक आईजी करंट ले पा रहा था अब उसके थ्रू आई करंट पास हो सकता है, है ना? तो अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे आई करंट जो है वो ऑब्वियसली पहले से बहुत ज्यादा होगा। पहले से बहुत ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि अब इस गैल्वेनोमीटर में एक सेफ्टी लगा दी हमने। कैसी सेफ्टी लगा दी, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। लो रेजिस्टेंस का फायदा क्या होता है कि भाई आपने ज्यादा करंट पास किया तो उसका मेजर पोर्शन कहां से चला जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो भाई इसका रेजिस्टेंस कम है तो मेजर पोर्शन ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस। तो हो सकता है जो करंट अभी तक, जो गैल्वेनोमीटर अभी तक आईजी करंट ले पा रहा था अब उसके थ्रू अभी हम लोग आई करंट पास कर सकते हैं। तो इसका एक फायदा यह भी होता है कि रेंज
ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेस, रेंज बढ़ना। रेंज का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना करंट आप किसी डिवाइस से मेजर कर पा रहे हो, या मैक्सिमम मेजरमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है उसको अभिमुख रेंज बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में अभी आप बहुत कम करंट पास कर पा रहे थे, लेकिन अब आपने पैरेलल में एक शंट लगा दिया तो क्या होगा, अब आप ज्यादा करंट पास कर पाओगे। ज्यादा करंट पास करने से क्या होगा, अभी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो उतना ही जाएगा, क्योंकि आईजी नहीं बढ़ा सकते। द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स सेम, वो कितना है, आईजी है, तो आईजी ही रहेगा। अब इसको सिर्फ समझने के लिए अभी हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आईजी इज 0.001 एम्पियर्स, सपोज इतना कुछ करंट ये ले सकता है, 0.001 एम्पियर्स अगर इसके थ्रू पास करेंगे तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब अगर आप इस डिवाइस को यूज करते तो इस डिवाइस को यूज करने में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन रहती कि 0.001 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं पास कर सकते, लेकिन अब पता चला आप 1 एम्पियर पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू 0.001 ही जाएगा, लेकिन इसके थ्रू कितना 0.999 चला जाएगा। सो मेजर पोर्शन ऑफ द करंट पासेस थ्रू व्हाट, द शंट। अब शंट जो है उसमें शंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकालने के लिए अभी आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दो। किरचॉफ्स लॉ कितना जाए, क्या कह देगा बेटा, यहां हायर से लोअर आप जा रहे हो तो माइनस आईजी इंटू आरजी, और यहां पर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, यहां पर ये हायर है, ये लोअर है, आप यहां से यहां आ जाओ। किरचॉफ्स लॉ अगर आप याद रखोगे तो फॉर्मूलेज नहीं याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूलेज बन जाते हैं, है ना। तो प्लस माइनस आईआर और इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, यहां पर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ऐसा आ रहा है। प्लस आई माइनस आईजी इंटू एस विल बी इक्वल टू जीरो, तो इससे एस की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, आईजी इंटू आरजी अपॉन आई माइनस आईजी, ठीक है। अब इसमें आईजी क्या है, आईजी याद रखना द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई इज व्हाट, द करंट विच कैन बी पास थ्रू थ्रू द डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन की मदद से ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे सपोज आपको एक डिवाइस दिया है, यू आर गिवन अ गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms, शॉर्ट में सारी चीजें लिख दे रहे हैं। यू आर गिवन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms विच गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट व्हाट, 4 milliamperes, एट 4 milliamperes। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा, हाउ डू यू कन्वर्ट दिस इनटू, दिस इनटू एन एमीटर। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे एमीटर में टू मेजर 5 एम्पियर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, देखो
अब इस क्वेश्चन को अच्छे समझो क्या क्या चीज दी है। इसमें गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आरजी दिया है 10 ओम्स, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर्स, मतलब आईजी की वैल्यू 4/1000। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये पूरा डिफ्लेक्शन कितने पर दे रहा है उसको आईजी बोलते हैं। अब इसको अभी हम लोगों को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, 5 एम्पियर वाले एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें मालूम है, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज रखो, वैल्यूज अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, एस विल बी इक्वल टू आई जी 4/1000 इंटू आरजी, आरजी की वैल्यू 10 अपॉन आई माइनस आई जी, आई की वैल्यू 5 है माइनस आई जी की वैल्यू कितनी 4/1000। तो अब हम लोग इसमें देखो बच्चों, देखना ध्यान से, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम आपको बता दें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये वाला पार्ट जो है मोस्टली आईजी वाला पार्ट जो है मोस्टली बहुत छोटा रहता है, तो अभी आप कैलकुलेशंस के समय इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 5 में से कितना माइनस कर रहे हो, 0.004 माइनस कर रहे हो, तो अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/100 और 5, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 0.8 आ जाएगा अपॉन 100 यानी 0.008 ओम्स आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको कोई गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है 10 ओम्स रेजिस्टेंस का और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 4 मिली एम्पियर्स पर, इसको अगर आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 5 एम्पियर्स मेजर कर पाए, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.008 ओम्स। चलिए अब आज के लिए इतना ही, ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड विद सम मोर न्यूमेरिकल्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।